हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। तो फ्रेंड्स, आज है 9 नवंबर। तो 9 नवंबर के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @gov.naukri लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, और वहाँ से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल जब हमने 8 नवंबर के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में आपको दो टेस्ट दिए गए थे। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी के साथ साथ जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो कल का आपका सबसे पहला टेस्ट था कि सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है। तो हाल ही में सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन अरविंद केजरीवाल ने किया है, और ये सिग्नेचर ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है, तो ये नई दिल्ली में बनाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आपका ए। दूसरा टेस्ट था आपका नोट्स ऑफ अ ड्रीम द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ ए आर रहमान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस बुक के राइटर हैं कृष्ण त्रिलोक। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी। और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिए थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9 नवंबर के करंट अफेयर्स। और आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज भी लास्ट में आपको दो टेस्ट दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में मेघालय के डीजीपी कौन नियुक्त हुए हैं। तो हाल ही में मेघालय के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं, और उनका नाम है आर चंद्रनाथन। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे ये है आर चंद्रनाथन, जिन्हें हाल ही में मेघालय का डीजीपी नियुक्त किया गया है। डीजीपी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और अब आपको पता होना चाहिए कि आर चंद्रनाथन से पहले मेघालय के डीजीपी कौन थे। तो उनका नाम था सौराज वीर सिंह। और अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें आर चंद्रनाथन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, जो आर चंद्रनाथन है ये 1986 बैच के असम मेघालय कैंडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। और जो आर चंद्रनाथन है ये मेघालय के डीजीपी नियुक्त होने से पहले असम रेलवे के विशेष निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको आर चंद्रनाथन के बारे में पता होनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मेघालय के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि जो आर चंद्रनाथन है ये मेघालय के डीजीपी नियुक्त हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो मार्क दी है यहाँ पर है मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर का नाम है कोनराड संगमा, और मेघालय के गवर्नर का नाम है तथागत रॉय। और मेघालय के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 2, और राज्यसभा की सीटें हैं 1, और विधानसभा की सीटें हैं 60। और उसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि मेघालय में जो फेमस नेशनल पार्क है वो कौन सा है। तो मेघालय का नेशनल पार्क है नौकरी एक नेशनल पार्क। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मेघालय का फेमस फोक डांस कौन सा है। तो मेघालय का जो लोक नृत्य है यानी कि फोक डांस, वो है बांग्ला। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको मेघालय के बारे में नोट करनी है। आज का अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में रसगुल्ला दिवस कब मनाया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में जो रसगुल्ला दिवस है ये 14 नवंबर को मनाया जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये रसगुल्ला दिवस 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। देखिए, ये इसलिए 14 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की फेमस मिठाई है रसगुल्ला, बंगाल का रसगुल्ला आपने सुना होगा ना, उसे 14 नवंबर 2017 में GI टैग मिला था। तो जिस दिन इसे GI टैग मिला था उसी दिन को पश्चिम बंगाल में रसगुल्ला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर आपको GI इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, और ये GI टैग क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो GI की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और ये GI टैग किन प्रोडक्ट्स को लगाया जाता है। तो ये GI टैग उन प्रोडक्ट्स को लगाया जाता है जो किसी भी पर्टिकुलर जगह पर पैदा होते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर जगह के ये फेमस होते हैं, और उन चीज़ों में कोई खासियत होती है तो उस प्रोडक्ट को GI टैग लगाया जाता है। और अब तक हमारे भारत के 325 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर GI टैग लगाया गया है। और इससे पहले भी हमने 2 करंट अफेयर पढ़े हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि हाल ही में जो बिहार की शाही लीची है उसे GI टैग मिला है, और उसके बाद जो महाराष्ट्र का अल्फांजो आम है उसे हाल ही में GI टैग मिला है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट बातें आपको जरूर याद रखनी है। और हमारे भारत का सबसे पहला उत्पाद ऐसा कौन सा था जिसे GI टैग मिला था, तो वो है दार्जिलिंग चाय। हमारे भारत का ऐसा पहला प्रोडक्ट दार्जिलिंग चाय है जिसे GI टैग मिला था। अब यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें पश्चिम बंगाल के बारे में नोट करनी होगी, क्योंकि ये जो रसगुल्ला दिवस है ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो मार्क दे रही है यहाँ पर है पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर का नाम है ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के जो प्रेजेंट में गवर्नर है उनका नाम है केसरी नाथ त्रिपाठी। और पश्चिम बंगाल के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 42, राज्यसभा की सीटें हैं 16 और विधानसभा की सीट है 294। और पश्चिम बंगाल का फेमस नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है जलधपारा नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क। और पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कौन सा है, तो गंभीरा पश्चिम बंगाल का फेमस लोक नृत्य है। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको पश्चिम बंगाल के बारे में नोट करनी है। आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मो बस सेवा शुरू की है? तो ये जो मो बस सेवा हाल ही में लॉन्च की गई है, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। और ये बस सेवा कहाँ पर शुरू की गई है, तो उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहां पर इस बस सेवा को शुरू किया गया है। और देखिए, जब ये बस सेवा शुरू की गई थी तो उस समय इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इस बस सेवा का उद्घाटन किया था उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक उन्होंने। और इस बस सेवा यानी कि मो बस सेवा के तहत जो बसें चलाई गई हैं उनमें एक खास बात ये है कि इन सभी बसों में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, उसी के साथ साथ इन सभी बसों में वाईफाई की भी सुविधा दी गई है। देखिए, ये जो बस सेवा शुरू की गई है मो बस सेवा, इसके तहत एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिस मोबाइल ऐप का नाम है मो बस मोबाइल ऐप। ये इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि इस सेवा से रिलेटेड जितनी भी टिकटें बुक की जाएंगी ये इस मोबाइल ऐप के थ्रू बुक की जाएंगी, मो मोबाइल ऐप के थ्रू। और अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें उड़ीसा के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो मो बस सेवा शुरू की गई है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो देखिए, यहाँ पर जो मार्गदर्शन है, यहाँ पर उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक जिन्होंने इस बस सेवा को शुरू किया है, और उड़ीसा की गवर्नर का नाम है प्रोफेसर गणेशी लाल। और उड़ीसा के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 21 और राज्यसभा की सीटें हैं 10 और विधानसभा की सीटें 147। और उड़ीसा का जो लोक नृत्य है वो है घूमरा और छऊ। यहाँ पर आपको ध्यान देना कि घूमरा है ना कि घूमर, तो उड़ीसा का फेमस लोक नृत्य है घूमरा और छऊ, जो कि आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। और उड़ीसा का नेशनल पार्क कौन सा है फेमस, तो है वो भीतर कनिका नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैक थ्रू जूनियर चैलेंज किसने जीता है? तो उनका नाम है समय गोइदा, जो आपको पिक्चर में दिखा रही है ये है समय गोइदा, जिन्होंने हाल ही में बैक थ्रू जूनियर चैलेंज जीता है। और अब इन्होंने ये बैक थ्रू जूनियर चैलेंज जीता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बैक थ्रू जूनियर चैलेंज क्या होता है। तो देखिए, ये एक विज्ञान वीडियो प्रतियोगिता होती है जिसमें जो स्टूडेंट्स जीव विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में और गणित के क्षेत्र में कुछ इनोवेटिव आइडिया लाते हैं, उसके रिलेटेड कोई इनोवेटिव आइडिया का वीडियो बनाते हैं, उस स्टूडेंट को ये बैक थ्रू जूनियर चैलेंज पुरस्कार दिया जाता है। ये एक तरह का एक ग्लोबल चैलेंज होता है साइंस के क्षेत्र में। और क्योंकि अब समय गोइदा ने ये बैक थ्रू जूनियर चैलेंज जीता है, तो इन्हें इस चैलेंज के थ्रू, इस प्रतियोगिता के तहत 2,50,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे स्कॉलरशिप के तौर पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर मी वाईफाई परियोजना शुरू की गई है? तो ये जो मी वाईफाई परियोजना शुरू की गई है ये भुवनेश्वर में शुरू की गई है, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की कैपिटल है। और इस मी वाईफाई परियोजना की शुरुआत किसने की है? तो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक उन्होंने इस मी वाईफाई परियोजना की शुरुआत की है। और इस परियोजना के तहत क्या होगा कि इस परियोजना के तहत उड़ीसा के 275 एक्सेस पॉइंट पर 100 हॉटस्पॉट्स वाले स्थान बनाए जाएंगे। और ये परियोजना किसके द्वारा लागू की गई है? तो ये परियोजना BSCL के द्वारा लागू की गई है। अब ये BSCL क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म है भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जिसके द्वारा ये परियोजना शुरू की गई है। और अब इस क्वेश्चन में आपको उड़ीसा के बारे में पता होना चाहिए था, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको उड़ीसा के बारे में बता ही दिया है, तो वहां से आप लोग नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम्स में वो सब इंपॉर्टेंट बातें पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा युवाओं के लिए GITC 2018 आयोजित किया जाएगा? तो उस मंत्रालय का नाम है सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्रालय, जिसके द्वारा हाल ही में जो विकलांग युवक हैं उनके लिए GITC 2018 आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पर GITC इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल IT चैलेंज फॉर यूथ विद डिसएबिलिटी। ये प्रतियोगिता उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो कि विकलांग होते हैं, और ये ग्लोबल लेवल की एक कंपटीशन होता है। अब ये GITC 2018 जो आयोजित किया जाएगा ये कब शुरू होगा? तो ये जो कंपटीशन है ये 9 नवंबर 2018 को आयोजित किया जाएगा।
और इस प्रतियोगिता में जो 13 से 21 साल के विकलांग बच्चे होते हैं, यानी कि डिसेबल जो बच्चे होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। और इस साल यानी कि 2018 में इस GITC की मेजबानी कौन कर रहा है, तो हमारा भारत ये इस GITC प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। और ये GITC 2018 जो प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी, तो ये भारत के अंदर न्यू दिल्ली में आयोजित की जाएगी। देखिए ये जो प्रतियोगिता है GITC प्रतियोगिता, ये हर साल जितनी भी एशियन पैसिफिक रीजन के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो इस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज करती हैं, पर इस साल 2018 में इस प्रतियोगिता को हमारा भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब यहाँ पर नाम आया है सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्रालय का, तो सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम भी आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है, तो उनका नाम है थाउच चंद गहलोत। इनका नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, जितनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जगह पर 3 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया है, तो उस जगह का नाम है अयोध्या। हाल ही में दिवाली के मौके पर यानी कि 7 नवंबर 2018 को अयोध्या में 3 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया है। और अयोध्या कहाँ पर है, तो ये यूपी के अंदर है अयोध्या। और ये 3 लाख दिए अयोध्या के अंदर कहाँ पर जलाए गए थे, तो ये 3 लाख दिए अयोध्या के अंदर सरयू नदी के पास जलाए गए थे। सरयू नदी के पास ये 3 लाख दिए जलाए गए थे। और देखिए इस विश्व रिकॉर्ड के बाद यानी कि 3 लाख दिए जलाने के विश्व रिकॉर्ड के बाद जो अयोध्या शहर है इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। और अब यहाँ पर आपको यूपी के बारे में पता चाहिए क्योंकि जो अयोध्या है ये यूपी के अंदर है। देखिए यहाँ पर जो मांग रही है यहाँ पर है यूपी, यूपी की कैपिटल लखनऊ, यूपी के चीफ मिनिस्टर का नाम है योगी आदित्यनाथ और यूपी के गवर्नर का नाम है राम नेक। और यूपी के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 80 और राज्यसभा की सीटें हैं 31 और विधानसभा की सीटें 403। और उत्तर प्रदेश का जो फेमस नेशनल पार्क है वो है दुधवा नेशनल पार्क, जिसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का फोक डांस कौन सा है यानी कि लोक नृत्य, तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है रासलीला, बहुत ही फेमस है लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का रासलीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐसा बनाया है क्योंकि आपके एग्जाम्स में एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन है, तो उनका नाम है सनेलता श्रीवास्तव, जो कि लोकसभा की पहली महिला महासचिव हैं। अब यहाँ पर आपको एक करंट अफेयर याद रखना होगा इसी के साथ साथ सनेलता श्रीवास्तव के बारे में, कि जो सनेलता श्रीवास्तव हैं इनकी नियुक्ति लोकसभा की पहली महासचिव के रूप में 1 दिसंबर 2017 में हुई थी। और इनका जो कार्यकाल था लोकसभा की पहली महिला महासचिव के रूप में, ये 30 नवंबर 2018 को कंप्लीट होने वाला था, पर हाल ही में एक न्यूज़ आई है जिसके तहत जो लोकसभा की अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन, उन्होंने सनेलता श्रीवास्तव का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और अब यहाँ पर आपको सनेलता श्रीवास्तव के बारे में पता होना चाहिए, तो जो सनेलता श्रीवास्तव हैं ये 1982 बैच की IAS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ला कंपनी के निर्देशक मंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो टेस्ला कंपनी के निर्देशक मंडल का हाल ही में जो अध्यक्ष चुना गया है उनका नाम है रॉबिन डेनहोल्स को हाल ही में टेस्ला कंपनी के निर्देशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। और रॉबिन डेनहोल्स से पहले टेस्ला कंपनी के निर्देशक मंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था एलोन मस्क। एलोन मस्क ने हाल ही में टेस्ला कंपनी के निर्देशक मंडल के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया है और अब टेस्ला कंपनी के नए निर्देशक मंडल के अध्यक्ष चुने गए हैं रॉबिन डेनहोल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पर आपको टेस्ला कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो टेस्ला कंपनी है ये अमेरिका की एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और टेस्ला कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 2013 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर पैलो एल्टो में है, कैलिफोर्निया के अंदर पैलो एल्टो में इसका हेडक्वार्टर है। और टेस्ला कंपनी के CEO का नाम क्या है, तो उनका नाम है एलोन मस्क। देखिए जो एलोन मस्क है इन्होंने टेस्ला कंपनी के निर्देशक मंडल के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है, ना कि CEO के पद से, ये अभी भी टेस्ला कंपनी के CEO हैं। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश ने किस बैंक के साथ $172 मिलियन की परियोजनाओं का समझौता किया है, तो ये समझौता किया आंध्र प्रदेश ने वर्ल्ड बैंक के साथ।
इस समझौते के तहत जो वर्ल्ड बैंक है वो आंध्र प्रदेश में जो कृषि उत्पादकता है उसमें सुधार करने के लिए 172 मिलियन डॉलर का ऋण देगा, यानी कि 172 मिलियन डॉलर का लोन देगा। किसे वर्ल्ड बैंक देगा? तो आंध्र प्रदेश को देगा। और हाल ही में कल मैंने एक करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ाया था आंध्र प्रदेश के बारे में, कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश को अपना अलग से हाई कोर्ट बनाए जाने की भी मंजूरी दी है। वो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना कब हुई है? तो जुलाई 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन के अंदर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड बैंक के सीईओ कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम है जिम योंग किम। अब यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो मार्क्ड है यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है एन चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम है ESL नरसिम्हा। और आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की सीटें 175। और आंध्र प्रदेश का फेमस लोक नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का फेमस लोक नृत्य है। और आंध्र प्रदेश का जो फेमस नेशनल पार्क है वो है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको याद रखना होगा आंध्र प्रदेश के बारे में, कि जो आंध्र प्रदेश है ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारत का राज्य है। और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया से ढके मशरूम से बिजली पैदा करने का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उस देश का नाम है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका के शोधकर्ताओं ने जो बैक्टीरिया से मशरूम ढके होते हैं उनसे बिजली पैदा करने का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पर देखिए ये जो बैक्टीरिया से ढका मशरूम होता है, यानी कि जो बायोनिक मशरूम होता है, इससे सिर्फ थोड़ी मात्रा में बिजली पैदा की जा सकती है, ना कि ज़्यादा मात्रा में। अब क्योंकि ये सफलतापूर्वक परीक्षण अमेरिका के द्वारा किया गया है, तो अमेरिका के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो मार्क डी है यहाँ पर अमेरिका, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन, अमेरिका की करेंसी है US डॉलर, अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको अमेरिका के बारे में नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय रक्षा गठबंधन कहाँ शुरू किया गया है? तो यूरोपीय रक्षा गठबंधन हाल ही में पेरिस में शुरू किया गया है। फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहां पर इस यूरोपीय रक्षा गठबंधन को शुरू किया गया है। और ये यूरोपीय रक्षा गठबंधन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जितने भी यूरोप देश होते हैं उनके रक्षा मंत्रियों ने मिलकर इस यूरोपीय रक्षा गठबंधन को शुरू किया है। देखिए जो यूरोपीय रक्षा गठबंधन है इससे E12 भी कहते हैं। और इस यूरोपीय रक्षा गठबंधन का काम क्या होगा और इसे क्यों शुरू किया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आएगी तो उस समय जो यूरोपीय रक्षा गठबंधन है इसके तहत जितने भी यूरोप के देश हैं उनमें तेजी से सैन्य बल तैनात किए जाएंगे, इसलिए इसे यूरोपीय रक्षा गठबंधन को शुरू किया गया है। और देखिए ये जो परियोजना शुरू की गई है यूरोपीय रक्षा गठबंधन, इसके तहत कौन कौन से देश शामिल हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला है जर्मनी, दूसरा है स्पेन, तीसरा है नीदरलैंड, चौथा है बेल्जियम, पाँचवा है डेनमार्क, और उसके बाद है एस्टोनिया, उसके बाद है पुर्तगाल और ब्रिटेन, और उसके बाद लास्ट है फिनलैंड। ये देश इस यूरोपीय रक्षा गठबंधन में शामिल हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब क्योंकि ये यूरोपीय रक्षा गठबंधन फ्रांस में शुरू किया गया है तो फ्रांस के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो मार्क है यहाँ पर है फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो, और फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन, और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर का नाम है एडोर्ड फिलिपी। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको फ्रांस के बारे में नोट करनी है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे 9 नवंबर के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टडी में आप लोगों को कहा गया था कि लास्ट में दो टेस्ट होंगे आपके, तो सबसे पहले टेस्ट था कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई ये भी आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि किस शहर का नाम बदलकर अयोध्या रखे जाने की घोषणा की गई है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। तो उस शहर का नाम बताना है जिसका नाम बदलकर अयोध्या रखा जाएगा, और इस बात की घोषणा किसके द्वारा की गई है ये भी आपको बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।